तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं बाबा सीताराम मोटर्स के ऊपर। हमने पहले ही बाबा सीताराम मोटर्स की वीडियो बनाई हुई है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो यहाँ ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बाबा सीताराम मोटर्स अंदर जाएंगे और सारी की सारी कार एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आज यहाँ पर कौन से नई नई कार आई है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमको प्रेम भाई कौन कौन सी कार बताने वाले। तो चलिए, तो दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं बाबा सीताराम मोटर्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया चुका हूँ, जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आपको प्रेम भाई मिलेंगे, आपको प्रेम भाई से डिस्कशन करना है, वो आपको सारी की सारी अच्छे से अच्छी कार बता देंगे, वो भी एकदम लो प्राइस में। अगर आप हमारा वीडियो देखकर आओगे तो आपको यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए प्रेम भाई से मिलते हैं और आज की सारी कार एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैसे हो प्रेम भाई? मजा, आप बोलो। बस फर्स्ट क्लास। तो प्रेम भाई आज आप हमको सारी की सारी लो बजट वाली कार दिखाने वाले हैं। ये बात, तो ये जो कार है इसके सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ये कौन सी कार है इसकी डिटेल दीजिए थोड़ी। ये i20 है, आस्था ऑप्शनल टॉप मॉडल है, डीजल वेरिएंट में, CRDI वन ओनर कार है, 2018 का मॉडल है, मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये कितना किलोमीटर रिवन होगा प्रेम भाई? 86,000 गारंटेड किलोमीटर चली हुई है और इसकी आस्किंग प्राइस 6.5 लाख रखी है। जो भी मार्केट में आप लेने जाओगे तो इसकी आस्किंग प्राइस रखी होगी 7-7.5 लाख रुपए, 7.90, वो सब रखी होगी। लेकिन हमारे पास 6.5 लाख में आस्था ऑप्शनल डायरेक्ट पार्टी की कार है, उसमें भी हम नेगोशिएबल करवा देंगे। और इसमें फ्यूल टाइप कौन सा आएगा? डीजल। दोस्तों डीजल आपको आस्था मिल जा रही है i20, 6.5 लाख आस्किंग प्राइस है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो इसमें अच्छे से अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए हमारी नेक्स्ट कार पर चलते हैं। तो अब आ चुकी है स्मॉल फैमिली के लिए सबसे अच्छी कार जो मानी जाती है, होंडा की i10। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। 2016 की i10 है, पेट्रोल प्लस CNG, वन ओनर कार है और 49,000 गारंटेड घूमी हुई है, मैनुअल ट्रांसमिशन है और इसकी आस्किंग प्राइस रखी है 4,30,000 रुपये। दोस्तों 4,30,000 के अंदर आपको पेट्रोल प्लस CNG मिल जा रही है, इसके अंदर CNG किट भी लगी हुई है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो कार में CNG लगी होती है अगर वो आप चलाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट कार पर चलते हैं। दोस्तों अब आ चुकी है वॉक्सवैगन की पोलो, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। 2012 का मॉडल है, कंफर्ट लाइन है, वन ओनर कार है और 58,000 गारंटेड घूमी हुई है, डीजल वेरियंट है और मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगी, 2,80,000 इसकी आस्किंग प्राइस रखी है। इसका ओनर कौन सा रहेगा फिर? वन ओनर। दोस्तों 2,80,000 के अंदर आपको वॉक्सवैगन की पोलो मिल जा रही है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट कार पर चलते हैं। तो दोस्तों अब आ चुकी है टाटा की नेक्सॉन, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। 2019-20 की टाटा नेक्सॉन है, वन ओनर कार है, डीजल वेरिएंट में है और इसकी एवरेज आपकी 18-20 की एवरेज रहेगी। इसका किलोमीटर 80,000 गारंटेड घूमी हुई है और इसकी आस्किंग प्राइस रखी है 8,11,000 रुपये। प्रेम भाई इसका ओनर कौन सा रहेगा? वन ओनर। तो दोस्तों अब आ चुकी है आज की तारीख में जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। 2016 की LDI ऑप्शनल कार है, वन ओनर कार है और गारंटेड 53,000 के 54,000 गारंटेड घूमी हुई है, डीजल वेरिएंट है और वन ओनर कार है, इसकी आस्किंग प्राइस 5,40,000 रखी, उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। और प्रेम भाई ऑटोमेटिक आएगी या मैनुअल आएगी? मैनुअल ट्रांसमिशन में। दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको स्विफ्ट मिल जा रही है। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट कार पर चलते हैं। तो अब आ चुकी है होंडा की MS, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। 2015 अगस्त की कार है, वन ओनर कार है और प्योर पेट्रोल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, IVTEC वेरिएंट है उसका और किलोमीटर 44,000 गारंटेड घूमी हुई है कंपनी रिकॉर्ड में और इसकी आस्किंग प्राइस 5,40,000 रखी, उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी नेक्स्ट कार पर चलते हैं। तो स्मॉल फैमिली के लिए एक और हैचबैक कार आ चुकी है, होंडा की ब्रियो, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं।
2013 का मॉडल है, वन ओनर कार है, गारंटेड 33,000 घूमी हुई है, वन ओनर पेट्रोल मैनुअल गाड़ी है। उसकी आस्किंग प्राइस रखिए 3,25,000, उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। इसका किलोमीटर कितना ड्रिवन होगा? 33,000। दोस्तों सिर्फ 33,000 किलोमीटर ड्रिवन हुई आपको कार मिल जाएगी, यानी कि एकदम ब्रांड न्यू कार है। ये प्राइस भी नेगोशिएबल प्राइस है, आपको यहाँ पर आना है तो इसके अंदर आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट कार पर चलते हैं। दोस्तों i10 में आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, जो पहले हमने आपको i10 बताई वो व्हाइट कलर में थी। अगर आपको व्हाइट कलर में नहीं चाहिए तो यहाँ पे रेड कलर में भी एक और i10 खड़ी है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। 2008 का मॉडल है, थर्ड ओनर कार है, प्योर पेट्रोल गाड़ी है और मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसकी आस्किंग प्राइस रखी है 1,80,000 रुपये, उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। और मैम कितना किलोमीटर रिवन होगा? 58,000। दोस्तों 58,000 किलोमीटर रिवन की हुई कार आपको सिर्फ मिल रही है 1,80,000 रुपये के अंदर। ये भी नेगोशिएबल प्राइस है, आप यहाँ पर आओगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट कार पर चलते हैं। तो दोस्तों स्मॉल फैमिली के लिए एक और हैचबैक कार आ चुकी है, होंडा की ईऑन, तो इसके बारे में डिटेल लेते हैं। 2012 का मॉडल है, एरा प्लस, वन ओनर कार है और 85,000 घूमी हुई है, गारंटेड पेट्रोल प्लस सीएनजी में कार है। इसकी एवरेज भी आपको 26-27 की देगी। और इसकी आस्किंग कितना रखा है? 2,25,000 इसकी आस्किंग प्राइस है, उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा। दोस्तों पेट्रोल प्लस सीएनजी में आपको होंडा की ईऑन मिल जा रही है, एरा प्लस एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए हमारी नेक्स्ट कार पर चलते हैं। दोस्तों अब आ चुकी है होंडा की i20। हमने आगे आपको i20 बताई थी, वो वाइट कलर में थी, ये रेड कलर में है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल लेते हैं। 2018 का मेघना प्लस मॉडल है, वन ओनर कार है, 60,000 गारंटेड घूमी हुई है, पेट्रोल मैनुअल कार है और इसकी आस्किंग प्राइस रखी है 6,25,000 नेगोशिएबल। दोस्तों 6,25,000 के अंदर आपको i20 मिल जा रही है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आज हमने जितनी भी गाड़ी कवर करी वो सारी की सारी कार्स आपको देखनी है, तो आपको आना है बापा सीताराम मोटर्स के ऊपर। तो चलिए अब हम प्रेम भाई से बात करते हैं कि अगर आप बापा सीताराम मोटर्स के ऊपर आते हो तो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो प्रेम भाई, जैसे कि मान के चलो कि कोई बंदा आता है तो उसको RTO वगैरह इंश्योरेंस वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ से प्रोवाइड करवा सकोगे? हाँ, यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, यहाँ से लोन करवा सकते हैं, यहाँ से लोन हो जाएगी, RTO में अपने नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और सब कुछ यहाँ से हो जाएगा। तो मान के चलो कि कोई बंदे को होम डिलीवरी चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन से उसको कार वहाँ पर मंगानी है तो आप वो प्रोवाइड? हाँ, वो सब हो जाएगा इधर। और कोई बंदा बाहर से आउट ऑफ स्टेट से आ रहा हो? हाँ, तो वो NOC भी हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों बापा सीताराम मोटर्स के ऊपर से आपको सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको RTO ट्रांसपोर्ट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, आपको अगर गाड़ी होम डिलीवरी चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाएगी, और आपको अगर दूसरे स्टेट से दिख रहे हो तो आपको NOC वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज जो गाड़ी दिखाई गई है, अगर वो सारी की सारी गाड़ी आपको देखनी है तो स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर या कॉन्टैक्ट से आप कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी हमने इनकी पूरी डिटेल दी है, आप वहाँ पर जाकर भी एड्रेस और फ़ोन नंबर चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।